good morning class i welcome all my champs in your period of english students we are continuing to do chapter 13 and the topic is prepositions yes class we have done our exercise 13.1 and now it's turn of exercise number 13.2 so in this exercise we see that we are having three prepositions and we have to fill them in the given blanks according to the appropriateness so first of all we will discuss the meaning of these prepositions in on and at the usage is we use in when we indicate resting position of something इन साइड समथिंग इज इट ओके किसी भी चीज को जब हम किसी चीज के अंदर डिस्क्राइब करते हैं देन वी विल गो विद द प्रेपोजिशन इन एंड ऑन डीनोट्स अ थिंग इन टू अ रेस्टिंग पोजिशन फॉर एग्जाम्पल वी से द बुक्स आर कैप्ड ऑन द टेबल तो बुक्स कहाँ पड़ी हैं कहाँ रेस्टिंग पोजिशन है उनकी ऑन द टेबल एंड एट प्रेपोजिशन वी गो विद एग्जैक्ट प्लेस एंड एग्जैक्ट टाइम इज इट ओके सो हेयर वी आर विद द एक्सरसाइज एट फर्स्ट प्लेस वी आर हैविंग आई वॉज बॉर्न डैश क्रिसमस डे कहता है कि मैं क्रिसमस डे पर पैदा हुआ था आई वॉज बॉर्न ऑन क्रिसमस डे एट नंबर टू ही हैज़ अ हार्ड टाइम गेटिंग अप डैश द मॉर्निंग कहता है उसे सुबह उठना ही एज अ हार्ड टाइम बहुत मुश्किल लगता है ही हैज़ अ हार्ड टाइम गेटिंग अप डैश द मॉर्निंग Of course, so simple in the morning. Is it okay? Next is the old lady breathed her last dash 5th November dash 4 p.m. Students. I told you that for this, for the dates, for the dates, we go with the preposition on. We go with the preposition on. And when the time is we go with the preposition at because exact time is given here at 4 pm is it okay the old lady breathed her last on 5th november at 4 pm is it okay next is i prefer to go away dash christmas कहता है कि मैं प्रेफर करता हूँ दूर जाना क्रिसमस पर on christmas नेक्स्ट इज आई कांट स्लीप एट नाइट पूरी रात आप नहीं सो पाए आई कांट स्लीप एट नाइट मैं पूरी रात नहीं सो सका हूँ वाई कांट यू बी हेयर डैश संडे अफकोर्स नेम ऑफ द डेज ऑन संडे माई फादर केम बैक डैश मंडे नाइट ऑन मंडे नाइट एंड नेक्स्ट इज हु इज़ द ग्रेटेस्ट सिंगर डैश द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी हु इज़ द ग्रेटेस्ट सिंगर इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी नेक्स्ट इज आई एम इन्वाइटेड टू गो टू अ बर्थडे पार्टी डैश अप्रैल अब आप अगेन देखिए बेटा यहाँ पर आपको पूरी डेट दी हुई है न उन्होंने सो वी यू विल गो विद आई एम इन्वाइटेड टू गो टू अ बर्थडे पार्टी ऑन अप्रैल टेन टू थाउजेंड ट्वेंटी आई एम बिज़ी डैश मूमेंट आई एम बिजी एट द मूमेंट इस समय मैं बिज़ी हूँ प्लीज़ कम बैक इन टू आवर्स कृपया दो घंटे बाद आएँ इज इट ओके आई होप द एक्सरसाइज इज अंडर योर कंट्रोल बट बिफोर डूइंग इट जस्ट गो थ्रू इट वन सकेंड एंड ट्राई टू डू इट बाई योर ओन थैंक यू स्टूडेंट्स गुड